हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग है। कल का ये ब्लॉग है जो सुबह में मैं अपने किचन में क्लीनिंग कर रही थी, पूरा साफ़ कर रही थी। अपने किचन साफ़ तो डेली करती हूँ, बट जो फ्रिज थे गंदे हो जाते। बच्चे जब रहते हैं घर में तो बार बार छूना खोलना निकालना करते रहते हैं, तो इसीलिए पूरी गंदे हो चुकी थी। तो मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी, तो मैं सोची क्यों ना कुछ रिकॉर्डिंग आप लोग के साथ करूँ। चलिए मिलते हैं। एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अच्छी सी स्माइल के साथ आज थोड़ा सा क्या, 2 दिन का जो ब्लॉग गया था, कल मेरा तो नहीं गया था ब्लॉग, लेकिन 2 दिन का जो ब्लॉग गया था उसमें मेरा चेहरा कुछ खींचा खींचा, क्योंकि थोड़ी सी बैक बोल रही थी, प्रॉब्लम थी। लेकिन आज कुछ मुझे काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। अब पता नहीं क्यों मिल रहा है, मुझे ये समझ नहीं, या तो मैं सूप पी रही हूँ जूस पी रही हूँ इसके कारण, या जो भी हो मुझे खुद नहीं समझ। कुछ आज बहुत ज़्यादा रिलीफ मुझे मिला है। और कल मैं डांस भी की थी, कल डांस बैक मैंने पूरा पेन था, लेकिन डांस करने से मन नहीं माना। कल बर्थडे पार्टी था, वहाँ पे गई थी, तो वहाँ का मैं रिकॉर्डिंग आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैं वहाँ के शेयर नहीं की। हाँ, मेरी जो क्लिप थी, फ़ोटो थी, मैंने जो फ़ोटो ली थी अपनी, वो फ़ोटो मैंने शेयर की आप लोग के साथ इंस्टाग्राम पे एक, और इसमें भी हो सकता हो थोड़ा बहुत लग जाए, नहीं तो नहीं लगे क्या, ऐसी भी हो सकता है। तो अभी जस्ट मैं काम से खाली हो गई, और काम से खाली होने के बाद बच रहे हैं 1, और मैं चलूँगी अब ऊपर। ऊपर कुछ काम है, वहाँ का काम करूँगी, उसके बाद फिर आऊँगी, तब भोजन होगा मेरा। लंच जिन्हें लोग कहते हैं लंच, और मैं भोजन ही कहती हूँ। मुझे जैसे कहने में ये अच्छा ज़्यादा लगता है, भोजन करना, खाना करना। एक अपनी अपनी आदत होती है, अपनी अपनी स्वभाव होते हैं लोगों को, किसी को किसी के स्वभाव को बदला नहीं था। अब बनावटी मैं बोलूँ, नहीं मैं लंच नहीं की हूँ, तो ये बहुत गंदी बात है। बनावटी नहीं होना चाहिए, जो रियल है वो रियल है। तो हमारे यहाँ करीब सभी लोग बोलते हैं भोजन ही, बच्चे बस बोलते हैं कभी कभी कोई चीज़ें, मम्मा लंच नहीं किया, मम्मा या तो ये दे दो, तो बच्चों की बात छोड़ो, लेकिन हम लोग जो हैं हम लोग अपनी आदत को सही रखें। तो यही सब चीज़ें था। तो बट अभी तो मैं चली हूँ काम करूँगी, काम करने के बाद फिर देखती हूँ आप लोग से मिलती हूँ कब तक और कैसे। और आज तो ब्लॉग जरूर पड़ेगा, ये तो गारंटी है। 1 दिन नहीं डालती हूँ ना, पूरा मन परेशान हो जाता है, नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, ये दिल करता है। और जो कि मैं लाइव आऊँ चाहे नहीं आऊँ, लाइव का मुझे जैसे लगता है कोई मतलब नहीं होता मेरे लिए। अब पता नहीं कि मुझे नहीं मन पता, लोग लाइव करते हैं तो होता है कि मैंने लाइव किया इतना मिलेगा, ये मुझे जैसे उसका उतना नहीं। हाँ ठीक है, जुड़ते हैं हम लोगों से, बात करते हैं, अच्छा लगता है, बट जो अपना मेरा सुकून है, चैन है, वो मेरी वीडियो गला बट रहा। कल मैं कोल्ड ड्रिंक भी पीने जा रही थी, बट कोई ने मुझे सजेस्ट किया, मैंने एडवाइस दिया मत पीजिए, प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे भी लगा हो सकता है, तो मैं कैसे आप लोग से बात करूंगी अगर गला, और नहीं पीने के बाद भी इतना ज़्यादा गले को अजीब से हो रहा है, फीलिंग से आ रही है। तो चलिए अभी चलते हैं, फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद काम करने के बाद। तो गाइस यहाँ पे देखिए, आज मैं चल रही हूँ क्या बनाने, गोभी का अचार। तो पहले मैं क्या करती हूँ, पहले गोभी को अच्छे तरीके से काट के अच्छे तरीके से धुल लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, पूरा क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद क्योंकि पहले मैं आज सीखने जा रही हूँ, पिछली बार मैं बनाई थी अच्छा बना था, बट इस बार भी चल रही हूँ स्टार्टिंग करती हूँ। तो यहाँ पे गोभी मैं पहले कुछ है कटिंग कर लेती हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में मैं इसे कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी गाजर, तो गाजर और मूली भी है, बट पहले मैं गोभी को काट लेती हूँ, क्योंकि गोभी इस समय ज़्यादा हो रहे हैं आप लोग को मालूम है, और सस्ते भी हो गए, सब्जी भी सस्ती हो गई है इस समय। तो यहाँ पे मैं गोभी ढेर सारी आई थी, तो बड़ा सा फूड पापा लेके आए थे, तो मुझे लगा चलो आज मैं अचार ही बना लेती हूँ, कुछ आप लोग के साथ शेयर भी कर देती हूँ, अच्छी चीज़ें अलग हट के थोड़ी सी, तो काफ़ी टेस्टी बनेगी। लेकिन ये अभी इसी क्लिप में पूरा नहीं रहेगा, अगले क्लिप में पूरी रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पे गाजर है जो मैं घिस रही हूँ, गोभी मेरी कट चुकी है, तो गाजर को छील के तब मैं काटूँगी। काटने से इसे होगा ना बहुत अच्छे तरीके से साफ, थोड़ा सा ऊपर का जो गंदा गंदा सा रहता है तो इसे निकल जाता है,
तो इसीलिए मैं पहले इसे साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करने के बाद फिर मैं इसमें कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए मैं कट कर लेती हूँ इसे। फिर अच्छी तरीके से साफ़ से धुलूँगी सारे चीज़ को। धुलने के बाद इसमें मूली भी ऐड करूँगी, तो मूली भी रहेगा, मटर भी रहेगा, सारा चीज़ ऐड करने के बाद। तो पहले मैं गाजर, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, दो चार पीस रहेगा, नहीं तो काफ़ी मीठा मीठा बना जाएगा ना, ऐसे मीठे मीठे हो जाते हैं। तो इसीलिए फिर यहाँ पर चलिए मैं कट ओट लेती हूँ। तो फिर मिलती हूँ आप लोग से बाबू साफ करते समय। तो यहाँ पे देखिए गोभी हमारी कुछ धुला गई है कुछ इस तरीके से, और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ साफ़ हो चुका है। साफ़ करके धुल के मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको, रखी दी हूँ ये दोनों। देखिए कितने सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहे हैं ना। हाँ, तो मूली है, गाजर है, मटर है, तीनों चीज़ है। इसको फिर मैं अब इसे अच्छे तरीके से चलती हूँ उसमें लेके ऐड करती हूँ। तो दिखाती हूँ आपको कैसे क्लीन करना है। अभी क्लीन करने चल रही हूँ, यहाँ पे रख दी थी मैं, भूल गई थी, तो रख के यहाँ पे देखिए इस तरीके से साफ़ कर रही हूँ। दुपट्टा भी ली हूँ तो यहाँ पे ऐसे साफ़ होते रहेंगे। तो गाइस यहाँ पे मेरे मटर और ये गाजर जो उसे साफ़ करके हटा लेती हूँ। अब धोती हूँ कढ़ाई में गोभी, क्योंकि गोभी थोड़ी अधिक है, थाली में धुलाएगी नहीं। तो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से, यहाँ मैं कपड़े फैलाई हूँ जो साफ़ कपड़े है किचन का, ही बहुत साफ क्लीन है। इसी पे ये कॉटन है, तो गाइस हमारे किचन का कपड़ा है जो सूखा हुआ है। अब मैं इसमें मटर को, जो गाजर है, मूली है, ये किचन का वॉश किया हुआ सुखाया हुआ कपड़ा है जो साफ है, पूरा क्लीन है, सूखा सूखा हो जाए। इसमें तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसे, और देखिए पूरा भीग गया। अब मैं दूसरे वाले उसमें कर के सुखा लेती हूँ। सुखाने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गए हैं सूखे सूखे। अब मैं इसमें हल्दी नमक फिर ऐड करूँगी। हल्दी नमक ऐड करके सारे एक साथ यहाँ देखिए रख दी हूँ कढ़ाई में, सारा चीज़ रखने हूँ क्योंकि कढ़ाई थोड़ी बड़ी है, तो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। पर मैं टप डलिया में भी कर सकती थी, बट लेकिन मुझे इसी में रखी थी तो कर ली। यहाँ देखिए मैं नमक ऐड कर रही हूँ, और नमक ऐड कर लेती हूँ। नमक अपने स्वाद के अनुसार आपको करना है। अगर आप ज़्यादा नमक खाते हो तो ज़्यादा थोड़ा सा डालिए, कम खाते हो तो कम डालिए। बट थोड़ा सा अभी इसे नमक ही हल्दी लगाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। नमक हल्दी लगा के इसे अच्छे तरीके से मिलाएंगे, और मिलाने तो गैस यहाँ पे इस तरीके से कुछ है। और मैं अब हल्दी पाउडर भी इसमें ऐड कर देती हूँ। ये देखिए हल्दी पाउडर है, हल्दी पाउडर ऐड हो जाता है। इतना ऐड करना है कि हमें अच्छे तरीके से इसमें हो जाए, क्योंकि धूप में रखने से आप लोग को मालूम है कि हल्दी उड़ जाता है, जैसे लोग कहते हैं उड़ जाता है, नहीं ख़त्म हो जाता है, तो वो वाली चीज़ें आ जाती है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ, मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोग को अच्छे तरीके से दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ मिलाने का प्रोसेस इस तरीके से है, तो अच्छे से मिलेगा। हाथ से भी प्रॉब्लम होती है, आप बड़े से चम्मच ले लो और उसी से अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसे रखूँगी धूप में ले चल के, और दिखाती हूँ धूप में रख दूंगी। अब दो से तीन दिन रखने के, दो दिन रखूंगी, उसके बाद ही इसमें मसाला ऐड करूंगी। तो आप लोग देखिए, तो गाइस यहाँ पे मेरे गाजर, मूली और गोभी, मटर सारे मेरे एकदम अच्छे तरीके से इनके पानी सूख गए हैं। जो पानी एकदम नहीं है, नहीं धुलने के बाद जो पानी होता वो एकदम नहीं है। कपड़े में मैंने अच्छे तरीके से सुखा लिया। और तो यहाँ पे मेरे हल्दी आराम से मिल जा रहे हैं। तो मिलने के बाद मैं लेके चलती हूँ अब इसे छत, और मैं लेके चलती हूँ इसे छत पर, धूप में रख देती हूँ अच्छे तरीके से। तो गाइस मैं लेके आ गई हूँ छत पे, और छत पे ले चलती हूँ टेबल एक रखी हूँ, टेबल पे ही रखूँगी, क्योंकि नीचे रखने से नहीं हवा हवा चल रहे हैं, ऐसे भी थोड़ा हल्का हल्का हवा भी है तभी उसके ऊपर भी कूड़े पड़ जाते हैं। तो यहाँ मैं रखती हूँ छत पर। इस समय दोपहर के बजे हैं 2:30 बजे हैं, और यहाँ पे देखे मैं रख दे रही हूँ। अब जब तक धूप रहेगा तब तक ये चलेगा, उसके बाद मैं नीचे ले चलूँगी, मिक्स हो जाएंगे हमारे। तो अभी जस्ट मैं किचन में, अभी बज रहे हैं 3:30 हो रहा है, बट आज मुझे जल्दी जल्दी, संडे पूरा दिन रहता है, बेस्ट 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 टाइम नहीं मिलता, और मैं यहाँ बना रही हूँ चूरा मटर। इधर मेरा चूरा भी गोया हुआ है, चाय बन चुका है, घर में कोई आया है, पापा का फ्रेंड आया है, इसलिए तो करना पड़ता है। मटर हो गया है, वाह हो गया, और आज तो वीडियो ये अपडेट हो ही जाएगा। और क्या बोल रही हूँ, हो गया मटर, हो गया। और इस मटर में मैं ना थोड़ा सा मसाले का फ्लेवर भी दे देती हूँ, जैसे बहुत जब सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं मटर,
तो उसके नॉर्मल तरीके से आप चूरा मटर बना के खा लो तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बट जब हम थोड़े कड़े कड़े टाइप में हो जाते हैं, अच्छे नए फ्लेवर लगते हैं, तो उसमें जब भी हम चूरा मटर बनाते हैं तो मसाला थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, जिससे हमारा फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाता है, टेस्टी बन जाता है। हो गया है 5 मिनट के लिए ढक दो, बस 2 मिनट। तो गाइस सब मैं इसमें डालूंगी चूड़ा और ये प्रॉपर तरीके से मेरा चूड़ा मटर थोड़ी देर। जो भी बचा खुचा है सारा तरीके से, और इधर आपको चाय दिखाई दे रही है, चाय बन चुकी है। ऐसे ऐसे बनते हैं वीडियो। और इसके पैर टूटे हैं काफी दिन से, मैंने एक चूल्हे काफी दिन से और रखा हुआ है, बट जैसे होता है ना कभी कभी मन नहीं होता लेके जाओ, नहीं तो हमेशा डेली लोग जाते हैं बोल दे तो ले जाए बनवा दे, बट भूल जाते हैं। और हमें इस थोड़ी सी बड़ी जो कढ़ाई होती है और मोटी होती है उसमें हम जब सब्जी या कोई चीज़ बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनता है, और छोटी जो कढ़ाई होती है और उसमें अधिक सामान थोड़ा सा बनाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अधिक सामान जिससे इतना बन रहा है इतना बनाते हो उसमें तो होता है क्या कि अच्छे से उसका फ्लेवर नहीं आता, क्योंकि बहुत अच्छे से वो पक नहीं सकता है, ना भुना सकता है, कुछ भी नहीं होता जिससे उसके फ्लेवर अच्छे नहीं होते। इसलिए मैं छोटी वाली कढ़ाई नहीं बनाती हूँ, मैं बार बार ही सेम बनाती हूँ। अब इसका मैं तो गाइस मेरा चूरा मटर वटर बन चुका और नाश्ता हो चुका। अब मैं वीडियो काफ़ी लेंथी हो जा रहा, काफ़ी लंबा हो जा रहा, और मेरे अचार का जो था ना मैं उसे अब धूप ख़त्म हो चुकी थी तो मैं लेके आ गई नीचे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से है, अब ये 2 दिन अभी सूखेगा, इसके बाद पूरी रेसिपी तभी शेयर होगा जब जब इसमें जो जो चीज़ पड़ेगा तभी, उसके पहले नहीं। तो यहाँ पे अब मैं शाम हो चुकी हूँ, कपड़ा ले आई हूँ, तो ये देखिए मैं बैठ के कपड़े को सारे फोल्ड कर रही हूँ और कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ और वीडियो भी एडिटिंग कर रही थी, तो मैं सोची चलो अब वीडियो को एडिटिंग कर ही देती हूँ, ख़त्म ही कर देती हूँ, बहुत बड़ा बड़ा वाला हो जाएगा। तो चलिए अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर जो कर दीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए।